दोस्तों, जादू देखना तो हर कोई पसंद करता है, लेकिन कई बार हमारे मन में सवाल ये उठ जाता है कि क्या ये मैजिक सच में मैजिक है या फिर महज हाथ की सफाई। यदि आप इस सवाल का जवाब चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको मैजिशियंस की हैरान कर देने वाली कुछ ऐसी हकीकतों से रूबरू करवाएंगे जिसके बारे में जानकर आप हैरान जरूर हो जाओगे। लेकिन दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको भी जादू देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। कटिंग इन हाफ। दोस्तों, केविन चेन्स अमेरिका के एक बेहतरीन जादूगर हैं। उनका सबसे मशहूर जादू है एक आदमी को बीच में से काट कर उसे वापस जोड़ देना। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इस एक्ट में केविन एक सर्जन के कॉस्ट्यूम में है। केविन अपने असिस्टेंट को बीच में से पूरा काट देते हैं, लेकिन वो फिर भी जिंदा है, उसके हाथ अभी भी हिल रहे होते हैं। ये असिस्टेंट पूरी तरह कट चुका है, ये दिखाने के लिए केविन उस असिस्टेंट और टेबल के बीच में से हाथ भी निकालकर दिखा देते हैं। और कुछ ही देर में केविन अपने स्पेशल टूल का इस्तेमाल करके उसे वापस जोड़ देते हैं और वो असिस्टेंट चलने और कूदने लगता है। दोस्तों, ये जादू देखने में सच में हैरान कर देने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर केविन ने ये कमाल का जादू कैसे किया, क्या उसने सच में उस इंसान को काटा था और फिर से जोड़ दिया? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है हर जादू के पीछे एक ट्रिक होती है, और ऐसी ही एक ट्रिक इस जादू के पीछे भी थी, जिसमें जो असिस्टेंट दिखाया गया है वो एक टॉर्सो है। टॉर्सो यानी कि कमर के ऊपर का हिस्सा। एक इंसान है जिसके कमर का निचला हिस्सा नहीं है। जब केविन ने असिस्टेंट को काटा तो टॉर्सो उस टेबल पर गिर जाता है, जैसे उसे बीच में से काट दिया गया हो, और फिर उसे एक दूसरे टेबल पर रखकर साथ ही उसके पास नकली पैर रख दिए जाते हैं। तब केविन अपना स्पेशल टूल निकालने लगते हैं और उस टॉर्सो को अंदर ले जाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उस कटे हुए इंसान को पर्दे के पीछे ले जाकर फिर से बाहर क्यों लाया जाता है? जो भी करना है वो तो सामने भी कर सकते थे ना, क्योंकि इस बार उस टेबल पर एक असली आदमी होता है, न कि टॉर्सो। वो आदमी इस तरह बैठा होता है जैसे वही कटा इंसान पहले वाला आदमी हो, और मुंह पर मास्क होने के कारण उन दोनों में हमें फर्क समझ नहीं आता। फिर केविन उस असिस्टेंट को स्पेशल टूल से ठीक करने की एक्टिंग करते हैं और वो आदमी खड़ा होकर चलने कूदने लगता है, और इसे देखकर हम चौंक जाते हैं। द वैनिशिंग ट्रिक। क्रिस एंजल ने अपना यह जादू दिखाया था जिसे देखकर काफी लोग दंग रह गए थे। इस ट्रिक में क्रिस गायब होने का जादू दिखाते हैं। क्रिस बाल्टी और बास्केट के ऊपर रखे लकड़ी के पट्टे पर खड़े हो जाते हैं। उनके दोनों हाथों पर रस्सी बंधी हुई होती है, और फिर एक कपड़ा उनके सामने लाया जाता है जिसके पीछे जाते ही क्रिस कुछ ही सेकंड में गायब हो जाते हैं। तो देखते ही देखते वो गायब कैसे हो गए, क्या उनके पास गायब होने की अद्भुत शक्ति है या कुछ और, तो हम आपको बताएंगे कि क्रिस असल में ये ट्रिक कैसे कर रहे थे। जरा आप ध्यान से देखिए कि क्रिस के पीछे खड़े आदमी की परछाई आपको सामने की तरफ दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही क्रिस गायब होते हैं और कपड़ा हटा दिया जाता है तो उसके पीछे खड़े आदमी की परछाई हमें नजर नहीं आ रही। ध्यान से देखिए तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो इसलिए कि बाल्टी और बास्केट के बीच की जो जगह है वो खाली जगह नहीं बल्कि एक स्क्रीन है, जिस पर हमें पहले से ही रिकॉर्डेड वीडियो दिखाया जा रहा है, जिसमें पीछे खड़े इंसान के पैर पहले से ही रिकॉर्डेड हैं। और जब स्क्रीन के लिए रिकॉर्डिंग की गई थी तब उस पीछे खड़े इंसान की परछाई पीछे की तरफ थी, लेकिन जब जादू चल रहा है तब परछाई सामने की तरफ है। ऊपर चढ़ते वक्त हमें क्रिस का पैर दिखाई देता है, तो आप कहेंगे ये कैसे दिखाई दिया? ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक रिकॉर्डेड वीडियो है, न कि क्रिस के असल पैर, लेकिन उसे बहुत प्रैक्टिस किया गया है और एक जैसा बना दिया गया है, तो हमें उन दोनों में डिफरेंस नजर नहीं आता। जैसे ही क्रिस ऊपर चढ़कर कपड़े के पीछे चले जाते हैं तो वो जल्दी से अपने हाथों को छोड़कर नीचे जाते हैं, और बीच में स्क्रीन होने की वजह से वो वहीं छुपे रहते हैं और हमें दिखाई नहीं देते, और हमें लगता है कि वो गायब हो गए। वहां पर स्क्रीन होने का एक सबूत ये भी है कि आखिर एक तरफ बाल्टी और दूसरी तरफ बॉक्स को क्यों रखा गया है, दोनों तरफ बाल्टी क्यों नहीं? लेकिन उस बॉक्स में स्क्रीन के लिए जरूरी हार्डवेयर और कंप्यूटर रखे हुए हैं, इसलिए एक तरफ बाल्टी और एक तरफ बक्से रखे गए हैं। रेजर ब्लेड्स बहुत ही खतरनाक और घातक होते हैं, जिन्हें अगर संभाल कर और सावधानी से इस्तेमाल नहीं किया गया तो काफी चोट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है। लेकिन जापान के एक जादूगर टिम्पा रेजर ब्लेड से ऐसा जादू दिखाते हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। टिम्पा सबसे पहले जजेस को एक असली ब्लेड देते हैं ताकि वो चेक करके बता सके कि ये ब्लेड असली है। जब जजेस चेक करके ये बताते हैं कि ब्लेड असली है, फिर टिम्पा वो ब्लेड अपने मुंह में डालते हैं और निगल लेते हैं। ऐसे ही टिम्पा के पास और कई सारे ब्लेड हैं जिनको वो निगल लेते हैं। ब्लेड को निगलने के लिए वो जूस भी पी लेते हैं, जिससे ऑडियंस को ये यकीन हो जाता है कि टिम्पा ने सारे ब्लेड निगल लिए। लेकिन कुछ ही देर में टिम्पा वो सारे ब्लेड्स एक धागे से बंधे हुए अपने मुंह से निकालने लगते हैं। ब्लेड निगलना पहले एक बहुत मुश्किल काम है। अब आप सोच रहे होंगे कि टिम्पा ब्लेड निगलकर उसे वापस मुंह से कैसे निकालते हैं, तो आइए आपको बताते हैं इस ट्रिक का राज। ये ट्रिक करना वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन टिम्पा ने इस ट्रिक को काफी बार प्रैक्टिस की है, जिसकी वजह से वो इसे आसानी से कर लेते हैं। दरअसल टिम्पा ब्लेड निगलते नहीं है, उसे वो अपने मुंह में छुपा देते हैं, और जब निगलने के लिए जूस जैसा कुछ पीते हैं तो उसी ग्लास में वो सारे ब्लेड थूक देते हैं, जो जूस के कलर की वजह से ग्लास में किसी को नजर नहीं आते। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो आप इस वीडियो को पॉज करके गौर से देखिए, आपको ग्लास के अंदर वो सारे ब्लेड्स नजर आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सारे ब्लेड थूक दिए तो धागे से बंधी हुई ब्लेड बाहर कैसे निकल रही है? इसका जवाब छुपा है टिम्पा के मुंह में। टिम्पा जादू शुरू करने से पहले ही अपने मुंह में नकली ब्लेड का एक पैकेट छुपा के रखते हैं, जब बाद में अपने मुंह के बीच लाकर एक एक करके बाहर निकालते हैं। टिम्पा ने इस ट्रिक को काफी बार प्रैक्टिस किया है, इसलिए आप घर पर कभी ट्राई मत करना। ये ट्रिक सबसे ज्यादा अमेजिंग और बहुत फास्ट की जाने वाली ट्रिक है। इसमें जादूगर कुछ ही सेकंड में कई बार अपने कपड़े बदल लेती है, और ये ट्रिक लड़की इतनी तेजी से करती है कि देखने वालों के होश उड़ जाएं।
सबसे पहले ये लड़की स्टेज पर आती है और देखते ही देखते वो अंदर पर्दे के पीछे चली जाती है और कुछ ही सेकंड में वो कई बार अपने कपड़े बदल लेती है, जिसे देखकर हम सब दंग रह जाते हैं। पर आज भी इस जादू का राज किसी को नहीं पता, लेकिन आज हम आपको इस जादू का राज बताने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, इस जादू का सीक्रेट इस जादूगर के कपड़ों में ही होता है। इस ट्रिक के जरिए जादूगर जो कपड़े इस्तेमाल करते हैं वो काफी अलग और असाधारण होते हैं। ये कपड़े स्पेशली इन जादुओं के लिए ही खास बनवाए जाते हैं और ये काफी अलग डिजाइन किए गए कपड़े होते हैं, जिसको कई सारे लेयर्स में तब्दील किया जाता है और जादूगर एक साथ ये कई सारे लेयर्स पहनकर ही आता है। इसमें से निकलना बहुत आसान होता है और ये कपड़े वेलक्रो या फिर हुक की मदद से खुल जाते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस लड़की को देखकर ऐसा लगता है कि उसने कई सारे कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि यार इतना मोटा जैकेट तो कोई नहीं पहनता और वीडियो के एंड में तो ये एकदम पतली सी लगने लगती है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह ये लड़की अपने ब्लैक ड्रेस को निकालकर छुपाने की कोशिश कर रही है। और इस जादू को करने के लिए काफी फुर्ती और काफी चालाकी की जरूरत भी पड़ती है, क्योंकि चंद सेकंड में ही जादूगरों को लोगों को पता लगे बिना ही कपड़े बदलने पड़ते हैं और फटाफट उन्हें छुपाना भी पड़ता है, जो इस लड़की ने बहुत बखूबी किया। दोस्तों, ये ट्रिक खतरनाक होने के साथ साथ आपको उलझन में भी डाल सकती है। इस ट्रिक में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक आदमी पूरी ताकत से अपने सर पर ड्रिल मशीन चला रहा है, हालांकि उसे एक खरोच तक नहीं आती, मानो उसकी बॉडी स्टील की बनी हो और उसे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। असल में दोस्तों, ये ट्रिक बहुत ही सावधानी और समझदारी से करनी पड़ती है और इसका सीक्रेट ये है कि जादूगर जो ड्रिल बिट यूज कर रहा होता है वो कोई आम ड्रिल बिट नहीं होती। ये ड्रिल बिट आम ड्रिल बिट से काफी अलग डिजाइन की हुई होती है। इस ड्रिल बिट का सिरा नुकीला नहीं होता, वो ऊपर से सपाट होता है, जिससे वो जादूगर के शरीर के पार नहीं जा सकते, लेकिन बहुत ही ज्यादा जोर लगाने पर शायद ये उसके शरीर में घुस सकते हैं। इस जादू में दो जादूगर हैं, जो एक स्क्रीन से एक नहीं बल्कि दो दो लड़कियों को बाहर निकालते हैं। लेकिन इस जादू में सिर्फ यही ट्रिक नहीं है, इस जादू में जादूगर बलून को भी स्क्रीन के अंदर डाल देते हैं और फिर उसी में से दो छतरियां भी बाहर निकाल लेते हैं। तो ये कमाल का जादू आखिर जादूगर किस तरीके से करते हैं, इसका ट्रिक हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये स्क्रीन एक नॉर्मल स्क्रीन है, जिसमें पहले से ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो चल रहा होता है और फिर ये उस वीडियो में हमारे नजरों के सामने एक बलून किस तरह से डाल देते हैं और उस स्क्रीन में से छतरी किस तरह से बाहर निकालते हैं, ये देखिए। अब जरा इस बलून को गौर से देखिए। गौर से इसे देखने पर पता चलता है कि जादूगर बलून को स्क्रीन के बहुत करीब ले जाता है और फिर वो उस बलून को किसी तरह से फोड़ देता है और उसी समय स्क्रीन पे वो बलून दिखाया भी जाता है और ध्यान से देखने पे वो फूटा हुआ बलून गिरता हुआ दिखाई भी देता है, लेकिन दूर से लोगों को ये दिखाई नहीं देता। और अब अगर हम स्क्रीन में से छतरी निकालने वाले किस्से को गौर से देखेंगे तो ये दिखाई भी देता है कि वो छतरियां पहले से ही उनके हाथ में थी, जो कि जादूगरों ने बहुत ही चालाकी और तेजी से बाहर निकाल ली और वो हमें दिखा नहीं, जिसे बाद में उन्होंने स्क्रीन के एकदम नजदीक ले जाकर खोल दिया। और अब दोस्तों, बारी आती है लड़कियों को स्क्रीन से बाहर निकालने की। जब एक जादूगर बड़ा सा कपड़ा स्क्रीन के सामने लाता है तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि उसी के पीछे से दोनों लड़कियां घुसकर नीचे बैठकर स्टेज पर आती हैं और वो हमें दिखाई नहीं देती। और जैसे ही जादूगर उस बड़े से कपड़े को ऊपर करता है तो एक लड़की फौरन खड़ी हो जाती है, और क्योंकि जादूगरों ने अभी भी वो कपड़ा पूरी तरीके से हटाया नहीं है तो इसलिए हमें वो दूसरी लड़की नजर नहीं आती। और जादूगरों ने उस दूसरी लड़की को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अगर आप पॉज करके इस वीडियो को देखेंगे तो आपको दूसरी लड़की के पैर भी इस लड़की के पीछे नजर आएंगे। लेकिन जब पहली लड़की को उस कपड़े में वापस लपेटते हैं तो दूसरी लड़की फौरन खड़ी हो जाती है और फिर जादूगर कपड़ा हटा देता है और हमें दोनों लड़कियां दिखाई देती हैं। और इस तरह से जादूगर बहुत ही पेचीदा मैजिक ट्रिक ये वाली पूरी करते हैं। तो क्यों दोस्तों, इन मैजिशियंस के ट्रिक्स आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।